42 एमएलए लेकर चले हैं देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने के लिए। बिहार के लोग गर्भ में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार वो कर रहे हैं जो बिहार के लोगों ने सोचा भी नहीं था। चंद्रबाबू नायडू का हुआ है वही हाल नीतीश कुमार का होगा। एक वक्त 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने भी इसी तरीके से कहा था और कर रहे थे कि पूरे देश के विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे थे। तब उनका हाल यही हुआ था, तीन एमएलए बने थे और सत्ता से बाहर हो गए थे। वही हाल चंद्रबाबू नायडू के जैसा हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होने वाला है। सिर्फ क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लोगों को जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है सीट देने के लिए तैयार है? क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और लालू प्रसाद यादव आरजेडी की पार्टी, क्या उनको टीएमसी को यहाँ सीट देगी? यानी कहीं ना कहीं एक समझौता किस तरह का हुआ है? ये सब कुछ विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होनी है, बस अगले दिन यानी शुक्रवार को होने वाली है, उससे पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म है। और ऐसे में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ये चाहती है कि लालू प्रसाद यादव कुछ भी करते रहें, उन कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस यूपीए सरकार में 30 से 35 सीट उसको बिहार में मिल जाए और बिहार के लोग गर्भ में चले जाएं, ऐसा सोचती है यूपीए सरकार। लेकिन इसको लेकर उन्होंने इस मामले पर पूरे विस्तार से जानकारी देते हुए जो है प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। बिहार के लोग कत्लखाना में जाते हैं तो जाए, जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10-20-25-50 एमपी के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं है। इनको लगता है कि बिहार ऐसा राज्य है जो कोई सुधर नहीं सकता है, लोग को मरने दीजिए, हमको अपना एमपी 30-35 जीत कर, यही लोग तो यूपीए में कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई लालू के साथ मिलकर के हमारा एमपी जीत कराता रहे, लालू जी जो करते करें। मेरे भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं, तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था, बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3-23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। ममता बनर्जी के साथ आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो पूछिए आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बंगाल बिहार में आकर एक सीट भी देंगे? वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 एमपी जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 एमपी आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा? अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई भाजपा के बी टीम आप है, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है, ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे? तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आप छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको, हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी के इतना दम है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की।
तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है। वहीं पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार का क्या अस्तित्व है वहां पर वो सब कोई जानता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में जो है वहां पर अखिलेश प्रसाद यादव की जो पार्टी है अखिलेश यादव की वो 5 सीट जीती थी और 2 जीरो को मिलाकर चले हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मानो 500 सीट इनके पास है और 500 एमपी इनके पास है, यानी 500 उम्मीदवार ये जीत चुके हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं 23 तारीख को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज।